अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी एक बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक। ये बेबी फ्रॉक से लेकर आप इसे तकरीबन 10-12 साल के बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगती है। सिल्क की बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1.5 मीटर्स का कपड़ा ले लिया सिल्क का, ठीक है। ये काफ़ी शाइनी सिल्क है तो बहुत खूबसूरत लगेगी। अगर बर्थडे पार्टी है, किसी की शादी वगैरह है और आपने फैंसी ड्रेस बनाना है, तो 5-6 हज़ार का लेने के बजाय आप घर में बनाएं। ये मैं नीचे जो घेरा बनाऊंगी उसके लिए मैंने 16 इंचेस का कपड़ा काट लिया अलग से। ये डबल कपड़ा है, ठीक है। तकरीबन 16 आपकी लेंथ हो गई, और अगर हम विड्थ करें तो तकरीबन मैं लूँगी इसको 29 इंचेस। तो ये मैं एक्चुअली बना रही हूँ 3 साल की बच्ची के लिए। अगर आपने नाप करना है तो आप चौड़ाई इतनी रख लें और लंबाई आपने रखनी है जितने बच्ची होगी उतने के मुताबिक। अब तकरीबन ये बॉडी होती है, ठीक है। बॉडी के लिए मुझे 2 कपड़े चाहिए। ये देखें, एक कपड़ा मैंने ये ले लिया है। किस तरह लेना है मेजरमेंट आप अपने मुताबिक करें। और ये मैं कुछ जाली का कपड़ा ऊपर लगाऊंगी, तो मैं 2 पीसेज में बनाऊंगी। इसका जो पूरी बॉडी बनी है ये आपने अपनी जिसकी आप फ्रॉक बना रहे हैं उसकी कमीज़ को रख के आपने नाप लेके 2 पीसेज इस तरह के काट लेने हैं, जिस तरह मैं काट रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा मेजरमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों पीसेस को रख लीजिए, ठीक है। जितनी जो है वो कमर तक का एरिया होता है वहाँ तक आपने बनानी होती है, क्योंकि चुनट होती है वो आपकी कमर से स्टार्ट होती है, तो उससे ऊपर जितना होगा वो आप 2 पीसेस रख के इस तरह मैं इसको काट लूँगी। डबल कपड़ा काट रही हूँ मैं, ठीक है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा कपड़ा इसलिए छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि जब ये स्टिच होता है तो वो काफ़ी तंग हो जाता है, ठीक है। तो आपकी फिटिंग सेम वैसी ही आएगी जैसी कमीज़ की है। तो ये बहुत खूबसूरत फ्रॉक, जो कि एक ब्रांडेड फ्रॉक है, और आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी अगर आप इसको ख़रीदेंगे। तो आप घर बैठ के अपने लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। जस्ट आपको कपड़ा चाहिए और थोड़ा बहुत मेहनत चाहिए, और आप एक बहुत ही अच्छी और सस्ती फ्रॉक घर में बना सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगेगी। ये फ्रेंड्स, अब हमारा तैयार हो गया है। नीचे जो घेरा मैं आपको बता चुकी हूँ, 29 इसकी मैंने विड्थ ली है डबल कपड़ा, ठीक है। और जो चौड़ाई है इसकी मैंने ली है तकरीबन 16 इंचेस। वो आप अपनी मर्जी से लेंथ रख सकते हैं जितनी बच्ची की हाइट होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक को बनाना शुरू करते हैं। अब आपने जैसे कि 2 कपड़े मैंने काटे थे, तो सबसे पहले मैं उन दोनों को आपस में जोड़ लेती हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जोड़ने के बाद ये देखें, ये मैंने दोनों को आपस में जोड़ दिया, और फिर मैंने बीच में शोल्डर्स जोड़ दिए, ठीक है। स्टिच द शोल्डर्स एंड नाउ दिस द बॉडी इज़ ऑल रेडी, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं कि अब हमने इसके साथ क्या बनाना है। अब हमने जो नीचे वाला जो घेरा है उसको पहले हम चुनट पहले से दे देंगे, और फिर हम इसको उसके साथ अटैच करेंगे। चुनट कैसे डालनी है आपने, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपको बहुत इजी वे में हम सिखाते हैं चीज़ें, और बहुत जल्द हम आपके लिए और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे, जिसमें आप बहुत कुछ बहुत आसानी से स्टिचिंग कर सकेंगे घर में। तो प्लीज़, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये फ्रेंड्स, हमारा घेरा रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, अब हमने जो बॉडी है उसको हमने नीचे वाले घेरे के साथ स्टिच कर लेना है। फ्रंट से भी कर लें और बैक से भी कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जोड़ लिया है। अब मैंने इसका गला और इसके स्लीव्स बनाने हैं। फ्रेंड्स, स्लीव्स देखिए मैंने किस तरह काटे हैं, ठीक है। जितना कपड़ा आपको स्लीव्स के लिए चाहिए होता है वो कपड़ा लेके आपने उसे वी शेप में काट देना है, ठीक है। फिर आप उसकी जो है पाइपिंग कर लेंगे, और पाइपिंग करने के बाद आपने इसको अटैच कर लेना। आप चाहे तो लॉन्ग स्लीव्स भी बना सकते हैं, ठीक है। फुल स्लीव्स, जैसे स्लीव्स आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैं एक छोटी बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो ये देखिए मैंने इस तरह काट के बिल्कुल छोटे छोटे स्लीव्स बनाने हैं। तो इसको हम पहले पाइपिंग कर लेंगे साइड से, और नीचे से हमने इसको जोड़ देना है, ठीक है।
गला कैसे काटते हैं, थोड़ी टेढ़ी सी स्ट्रिप काट लेते हैं और उसके बाद आप उनको जोड़ के और आपने उसके साथ पहले स्टिच कर लेना, और स्टिच करने के बाद आपने तुरपाई करनी है जो कि सुई से की जाती है, ठीक है। साइडों से इनको जोड़ लूंगी और जोड़ने के बाद में जो नीचे जो है इसका दामन उसकी मैं पाइपिंग कर लूंगी। तो फ्रेंड्स ये हमारी एक बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इस पे लगाना सिखाऊंगी कि आपने बंच सारे फ्लावर्स कैसे लगाने हैं। मैं इसके ऊपर रोज फ्लावर्स बना के लगा रही हूँ, या आप कोई भी कलर चूज कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। बहुत ही नीट और क्लीन जो है वो फ्रॉक सिली है, और ये देखिए ऊपर जाली है, और गेंजा भी लगा सकते हैं, जाली लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अब हम आ जाते हैं फ्लावर्स बनाने के लिए। आपको फ्लावर्स के लिए एक लंबी लॉन्ग स्ट्रिप चाहिए जिसकी विड्थ जो है आप देखें 3 इंचेस मैं ले रही हूँ। इधर से मैं काट के और एक लंबी सी स्ट्रिप ले लूँगी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसकी हम लेंथ कर लेते हैं। तकरीबन मैंने ये ली है 24 लेने के बाद 24 जितनी आप लेना चाहते हैं। इसको आप बनाएंगे कैसे, इस तरह आपने इसको डबल फोल्ड करके इसे सुई से जो है वो पहले बना लेना है, फिर इसका रोज बनाना सिखाती हूँ मैं आपको। आप देख सकते हैं आपका रोज तैयार हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसके नीचे जो बेस है वो बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको एक पीस चाहिए होगा, कपड़ा चाहिए होगा, ठीक है। इस पे मैं पहले ड्रॉ कर लूंगी, जिस तरह एक कवल का फूल होता है नीचे एक पत्ता पड़ा होता है, तो ये आपने पत्ता जो है वो बना लेना है हर फ्लावर के साथ। आप चाहे तो आप पैटर्न का यूज भी कर सकते हैं। इसको आप काट लें, और काटने के बाद आपने इसको थोड़ी सी हीट देनी है ताकि इसकी जो साइड्स हैं उनको एक नीट लुक मिल जाए, क्योंकि जब आप कटिंग करते हैं तो वो थोड़े से धागे वगैरह या रफ लुक आ रही होती है, तो उसको सही करने के लिए हम इसको मोस्टली जो है वो जो हल्की सी आग होती है उसके ऊपर इस तरह सेक लगाते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सारी जो है मतलब एक नीट लुक आ जाए। तो ये आपने सबके साथ करना है, ठीक है, जितने भी आप बनाए। इसी तरह आप रोज़ को भी थोड़ा सा नीचे से करके, और इसको आपने अब ये गर्म हो चुका है तो इसके ऊपर हम इस तरह अटैच कर लेंगे, और चाहे तो आप इसको ग्लू के साथ भी अटैच कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब इस तरह आपने पैटर्न बनाना है, ठीक है। ये मेरे पास तैयार हो चुका है, अब मैं ग्लू गन के थ्रू इसको लगा दूंगी इसके ऊपर।
खूबसूरत सी फ्रॉक तैयार हो चुकी है। चाहे तो फ्लावर इसके ऊपर लगाएं, चाहे तो ना लगाएं। पैटर्न आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।